जय हिंद दोस्तों, अगर आपका NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन है, आपने अपने अकाउंट को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया, इस कंडीशन में आपका अकाउंट NSDL पेमेंट बैंक की तरफ से क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो उस अकाउंट को दोबारा से आप एक्टिवेट कैसे करोगे, अपने अकाउंट को दोबारा से चालू कैसे करोगे, इसका दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा एक NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट था, वो अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है, तो हम अपने ही अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करने का आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप इस संबंध में NSDL पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर कॉल करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको प्रोसेस बताया जाता है, उस प्रोसेस को आप ठीक तरीके से अच्छी तरह आप समझ नहीं पाते हैं और फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाता है। और कस्टमर केयर के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपका अकाउंट डोरमेंट कर दिया गया है, क्योंकि आपने अपने अकाउंट को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया। सो अगर आपको अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करना है, चालू करना है, शुरू करना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड नए नए अपडेट भी देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपने NSDL पेमेंट बैंक में आपने अपना अकाउंट को ओपन किया था और आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपने अकाउंट को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया, कस्टमर केयर कॉल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है, अब आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो जो कस्टमर केयर वाले आपको प्रोसेस बताते हैं, उस प्रोसेस को आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वही तरीका दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अब ध्यान देना आपको ये है कि आपने जिस नाम से अपने अकाउंट को ओपन किया था, वही नाम आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए और उस आधार कार्ड की जेरोक्स को आपको स्कैन कर लेना है। इसके साथ में वही नाम आपके पैन कार्ड पर होना चाहिए और उस पैन कार्ड को भी आपको स्कैन कर लेना है। जैसे हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड स्कैन कर लिया है, अब वहाँ पर कस्टमर केयर के द्वारा एक और प्रोसेस बताया जाता है, जो कस्टमर केयर की तरफ से आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड ये दिया जाता है और आपसे ये बोला जाता है कि आपको एक नेफ्ट पेमेंट करना है, यानी कि NEFT के द्वारा आपको एक पेमेंट करना है। वो पेमेंट आप 10 रुपये का भी कर सकते हैं और 50 रुपये का भी कर सकते हैं, जितना आपको करना हो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आप वो NSDL पेमेंट बैंक को आप पेमेंट करोगे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, वो पेमेंट आपको अकाउंट आपका जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, तो उसकी एक पेमेंट रिसिप्ट आपके पास भी होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट हमारे पास है, और ये ध्यान रहे कि पेमेंट आप किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट NEFT के द्वारा ही होना चाहिए। हमने यहाँ पर पेमेंट मात्र 10 रुपये किया है और इसकी रिसिप्ट हमारे पास है, तो ये भी हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर ये आपको पेमेंट रिसिप्ट को एक्टिवेट कर लेना है, यानी कि पेमेंट भेज के इस रिसिप्ट को भी आपको स्कैन कर लेना है। अब इसके बाद में आपके जो पैन कार्ड पर सिग्नेचर हैं, वो सिग्नेचर भी आपके पास होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर सिग्नेचर भी हैं, तो हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड और NEFT वाली जो हमने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट और यहाँ पर सिग्नेचर, ये आपको इतने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, जो आपको ईमेल करना है वो आपको NSDL पेमेंट बैंक की तरफ से ही प्रोवाइड कराई जाती है, हमें भी प्रोवाइड कराई गई, हमने कस्टमर केयर कॉल किया था, ठीक है। तो वहाँ पर अब आपको नोट कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू एक्टिवेट माई डोरमेंट अकाउंट, आपको इतना ये टाइप कर लेना है अलग से, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, किस नाम से आपने अकाउंट ओपन किया था वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर मदर नेम और आपका जो भी माँ का नाम हो, माता जी का, वो नाम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल नंबर एक कॉलम बनाएंगे और उसके सामने मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना है। देन अब हम यहाँ पर जानते हैं कि मेल कैसे करेंगे, तो हमारे पास दोस्तों डॉक्यूमेंट भी रेडी हैं और हमें जो लिखना है उस मेल में वो भी रेडी है, तो इसके लिए दोस्तों आपको मेल ओपन कर लेना है। अब ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपकी जो ईमेल आईडी NSDL पेमेंट बैंक से लिंक हो, रजिस्टर्ड हो, उसी मेल आईडी से ही आपको मेल करना है, वरना आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने वही वाली मेल को लॉगिन कर लिया है, अब यहाँ पर हम कंपोज के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक न्यू मैसेज करने का हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम मेल किस मेल पर करेंगे, तो कस्टमर केयर की तरफ से आपको ईमेल प्रोवाइड कराई जाती है, वही मेल यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप मेल यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक मेल शो हो जाएगी, इसे ही मेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मेल को डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को फिल करना होगा, तो सब्जेक्ट में हम वही डालेंगे, आई वॉन्ट टू एक्टिवेट माई डोरमेंट अकाउंट, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक बार फिर से आपको आई वॉन्ट टू एक्टिवेट माई डोरमेंट अकाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है, देन आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक आइकॉन मिल जाता है अटैच फाइल करके, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, फाइनली यहाँ पर हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है, फिर से क्लिक करेंगे और हम अपने पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। पैन कार्ड भी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है NSDL पेमेंट बैंक को NFT के द्वारा, वो वाली फाइल हम सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट रिसिप्ट भी हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब हमारे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, जो जो हमने आपको बताया है वही आपको अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद में हम वो जो हमने यहाँ पर नोट करके रखा था, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर करने के बाद में आपको इस ईमेल को सेंड कर देना है। सेंड करने के लिए नीचे आपको आइकॉन मिल जाएगा, सेंड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंडिंग लिख कर आ चुका है और यहाँ पर हमारी मेल जो है सक्सेसफुल सेंड हो चुकी है। हम इसे व्यू मैसेज पर क्लिक करके इसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे स्कैन करके, वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपने डिटेल को फिल किया वो भी डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। बस दोस्तों आपको इतना ही काम कर लेना है और इसके बाद में आपका जो NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट आपका डोरमेंट हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो दोस्तों अभी जो आपने देखा ये कि ये पूरा प्रोसेस था NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करने का। अब यहाँ पर मेल को सेंड करने के बाद में आपको 10 से 15 दिन तक इंतज़ार करना होगा। आपके जो बैंक अकाउंट से ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसी मेल पर आपको बैंक की तरफ से सूचित कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो जो हमने आपको प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और NFT के द्वारा जो पेमेंट करना है उस रिसिप्ट को भी आपको अपलोड करना है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ऐसा दोस्तों कस्टमर केयर का कहना है, वही हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोसेस को बता दिया है। आई होप आपको वीडियो में जानकारी सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके मन में अब भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।